Well, hello everyone. A grand welcome on this channel, Bipsa the Farmer Bay. Please subscribe our channel and don't forget to press that bell icon. Thank you very much. सो आज हम बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक या बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. नेम उस सब्जेक्ट का है पैथोफिजियोलॉजी. तो बेसिकली आज हम ज़्यादा ना छूते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ पैथोफिजियोलॉजी. सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट पैथोफिजियोलॉजी. तो ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें से आते हैं. कैसे आते हैं, क्या आते हैं, मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे बकायदा एक एक वीडियो कर आपको दिखाऊंगा, ठीक है. तो फर्स्टली हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी का फर्स्ट पॉइंट. तो इसमें क्या कह रहा है, द डिसऑर्डर ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद डिजीज और इंजरी, ठीक है. जो ये डिसऑर्डर्ड होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का, ये किससे एसोसिएटेड होता है, विद द डिजीज और इंजरी, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पैथोफिजियोलॉजी इज अ कंडीशन वेयर द चेंजेस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ द सेल ड्यू टू पैथोजन और फॉरेन पार्टिकल विच कॉज डिजीज और इंजरी, दिस प्रोसेस नोन बाय पैथोफिजियोलॉजी. सिंपल है कि आपका पैथोफिजियोलॉजी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये ऐसी कंडीशन होती जिसमें आपके सेल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट चेंज हो जाती. किसके कारण, इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू पैथोजन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स और फॉरेन पार्टिकल्स विच कॉज डिजीज और इंजरी, ठीक है. ये डिजीज और इंजरी भी कॉज कर सकती है. दिस प्रोसेस आपकी कहलाती है क्या, पैथोफिजियोलॉजी. ये आप लिखते चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है होम्योस्टेसिस, बोले तो बैलेंस, ठीक है. तो ये कैसे डिफाइन किया गया है, तो हम इजी वे में इसको डिस्कस करेंगे. द वर्ल्ड होम्योस्टेसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट हैं, या दो पार्ट, होम्यो और दूसरा है स्टेसिस, ठीक है. तो होम्यो का मतलब क्या होता है, सेमनेस, एंड स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग, ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इन दिस वे यू कैन डिफाइन होम्योस्टेसिस, सेमनेस, स्टैंडिंग, ओके. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, होम्योस्टेसिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है. सामान्यता ये होम्योस्टेसिस कैसे डिफाइन होता है, ये कैसी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, जिसको हिंदी में या इजी मीनिंग में कह रहे हैं, तो बैलेंस, ठीक है. होम्योस्टेटिक इज अ कंडीशन ऑफ बैलेंस, ठीक है, किसी चीज़ को बैलेंस में रखना. इन द बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट ड्यू टू द कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बॉडी मैनी रेगुलेटरी प्रोसेस, ठीक है. अब इस लाइन को समझने के लिए सबसे ईजी वे है, आप इस एग्जाम्पल को समझिए. तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, इट इंक्लूड ऑल द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है. ये क्या होम्योस्टेसिस क्या इंक्लूड करता है, जितने भी बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन है उसको कंट्रोल करता है. द पीएच ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसको कंट्रोल करता है, इसके पीएच एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के. और द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एज वेल एज ग्लूकोज, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है. इसका कंसंट्रेशन को भी लेवल या बैलेंस में करता है. ईच ऑफ दीज वेरिएबल इज कंट्रोल बाय होम्योस्टेसिस प्रोसेस और रेगुलेटरी प्रोसेस, ठीक है. ये जितने भी वेरिएबल प्रोसेस हैं ये आपके होम्योस्टेसिस प्रोसेस द्वारा कंट्रोल या बैलेंस की जाती हैं. इन दिस वे वी कैन डिफाइन हियर होम्योस्टेसिस एंड पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, फीडबैक सिस्टम, व्हाट इज फीडबैक सिस्टम एंड हाउ मैनी टर्म्स आर यूज्ड हियर, ठीक है. तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर द मोर अपकमिंग न्यू अपडेट्स टू गेटिंग फर्स्ट, ठीक है. तो इसको पहले, वीडियो को पहले प्राप्त करने के लिए आप तक पहले पहुंच जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो. इससे आपका ये इजी होगा कि आप तक मेरा जो भी वीडियो होगा आपके चैनल पर लिंक आ जाएगा, ठीक है. तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Thanks for subscribing our channel. It's worth a lot. Keep learning, keep growing with us.